मैं अभी मौजूद हूँ अकोड़ी गोला चांदी रोड में। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बहुत ग्रामीणों और माताओं ने भी लगाया हुआ है। यहाँ पर आवर गोल्डन फ्यूचर निधि लिमिटेड बिछिया जंगल तुलसीराम शिवपुर गोरखपुर का मेरे हाथ में कागज है, जिसमें भाउचर है 60,000 रुपये का लोन देने की बातें हो रही है। ये जब जितने भी मेरे पीछे ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में हुजूम है, इन सबको पीछे सबको ठगी का शिकार हुए हैं। गोल्डन फ्यूचर निधि लिमिटेड के कर्मियों ने इस बात का आश्वासन दिया गांव-गांव जाकर के कि आप 1800 रुपये जमा कीजिए, हम आपको 50,000, 60,000, 1 लाख लोन देंगे। और 15-20 दिनों तक गांव में घूमते रहे और आज देख सकते हैं कि ये पूरा परिसर जो है खाली है, यहाँ पर कोई बैंक का बैनर नहीं लगा हुआ है। अब मैं कैमरा में कहूँगा ऊपर फोकस कीजिए, छत के ऊपर कोई बैंक कर्मी का फोटो नहीं लगा हुआ है, नहीं कोई बैंक का यह बैनर लगा हुआ है। यहाँ से साफ प्रतीत होता है इस बिल्डिंग में कोई बैंक नहीं चल रही थी। दशहरे का दिन है और दशहरे में लोग खुशियां मनाते हैं, दीपावली आ रही है, आगे छठ पर्व है, लेकिन यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को निराशा हाथ लगी है। यही के नहीं है, लोग अकोड़ी गोला से छोड़ कर अगरेर करागर के कभी लोगों को बैंक कर्मियों ने चुने लगाया है। और मेरे हाथ में एक पर्ची है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि 1800 का लोगों ने फार्म भरा है आवर गोल्डन फ्यूचर निधि लिमिटेड के नाम से है। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? ये आवर गोल्डन फ्यूचर निधि कंपनी के ये लोग गए थे वहाँ, माइक्रो फाइनेंस बोले थे कि आपको 60,000 रुपया देंगे और 1800 रुपया बीमा लेके, हमारे गांव से 16 लोगों का बीमा लिए हैं 1800 करके, और बोले कि शाम को 6 बजे पैसा डाल देंगे, लेकिन 6 बजे ये लोग पैसा नहीं डाले और मोबाइल भी बंद कर दिए। आज सुबह आए हैं तो यहाँ ऑफिस से सारे लोग फरार हैं और सारा कागज पत्र इसी में पड़ा हुआ है, और एक प्रिंटर है और एक ये है आपका जो नहीं होता है लैपटॉप, एक सिस्टम है और बाकी बेड वगैरह है। उसके बाद रूम मालिक आए और ताला मार दिए, हम लोग को जब अंदर से निकले तो वो ताला मार के चले गए। तो कैसे पता चला कि लोग भाग गए हैं? कोई भी लोग जाएगा तो अपना कागज यहाँ रूम छोड़ के जाएगा कि लेके जाएगा, वो भी पैसा वाला कागज, और सिस्टम छोड़ के जाएगा, खुला रूम, सारा रूम का ताला खुला हुआ है, सिर्फ एक रूम का ताला लगा हुआ है। फोन किए? फोन किए, फोन दो नंबर बंद बता रहा है। और हम लोग, हमारे गाँव के 16 महिलाओं का ये लोग पैसा लेके गए हैं 1800 रुपया करके। कब बोले थे पैसा देने के लिए आप लोगों को लोन? शाम को बोले थे कि 6 बजे पैसा डाल देंगे, कल शाम को। हाँ, बैंक तो बंद है तो ये लोग बोल के गए थे, और जैसल महिलाएं हैं ये लोग को बातों में आ गई, दे दी। क्या नाम है आपका? सरिता सिंह। गांव मठिया थाना अकोड़ी गोला। तो क्या मामला है, क्यों भीड़ लगाए हैं आप लोग? लगाए हैं, गोल्ड कंपनी का था, पैसा लेकर बोला बीमा जमा कर दो 1800 रुपया, बोला शाम तक ले 60,000 रुपया आ जाएगा, अभी तक ले पैसा नहीं है, मोबाइल भी बंद हो गया उसका। किस कैसा पैसा देने के लिए बोला था? लोन देने के लिए? हाँ, लोन देने के बोला था, बीमा हम चलाते हैं। तो क्या हुआ अभी? अभी नहीं आए, देखे यहाँ कोई है भी नहीं, के रूम बंद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास। घर? घर खुड़नू पड़ेगा। थाना? थाना अगड़ेर पड़ेगा। क्या हुआ है आपके साथ? मेरा नाम सुदर्शन पासवान है, ग्राम समझा है। थाना? थाना शिवसागर, जिला रोहतास है। वो हमारे गांव में गए किश्ती के लोन देने के लिए, 1800 रुपया बीमा पहले हमसे ले लिए, 1850 रुपया, और आज खाता में डालने को बोले थे तो मोबाइल 1850,000 रुपया डालने को बोला था। आज मैंने बैंक पर आया तो बैंक खुला है और सारे लोग फरार हैं। कौन से कंपनी के थे? इस बैंक का नाम बताया था, आवर गोल्डन फ्यूचर लिमिटेड कंपनी। कागज दिखाइए। हाँ, तो क्या बातें नहीं हो पा रही हैं? ना, मोबाइल अपना बंद किए हैं, भाग गया लोग। क्या घटना हुई आप लोग के साथ? अरे गांव में गया था, गोल्डन बैंक है जो बता रहा था, पैसा जमा कराया 6 महिला का, गांव में 1800 रुपया बोल रहा है, पहले बीमा जमा होगा उसके बाद में 60,000 रुपया डलेगा 1-2 दिन के अंदर में। शाम को 6 बजे टाइम दिया था, यहां पर आए सुबह में तो कल ही से फोन नहीं लग रहा है, अब फरार हो गया। कौन सा बैंक का दिया? और गोल्डन निधि लिमिटेड कंपनी है। कुछ लिखित को दिया है? हाँ, यही दिया है। तो कैसे पता चला कि पैसा लेकर भाग गया हो? यहाँ पर सब फाइल बना कर यहीं पर रखा है, किसी रूम में ताला नहीं बंद किया है, ताला बंद रहता तो हम लोग को पता रहता कि कहीं छुट्टी पर गया है, फाइल सब ऐसे ही फेंक दिया है। आप लोग फोन किए, उसका मोबाइल बंद है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पड़ेगा विकास गिरी। घर? बसंतपुर। थाना?
और कोड़ी गोला न जाने कितने छोटी मोटी बैंक कंपनियां ग्रामीणों को चूना लगाएगी और लोग कब तक ठगते रहेंगे ये किसी को अंदाजा नहीं है। पहले टीवी वाले कहे था टीवी किस्ती पर लीजिए 5,000 महीने देंगे, ये दिया एक और बैंक छोटी मोटी बैंक कंपनी चूना लगा रही है। सरकार शराब बेचने वाले को ढूंढ के निकालती है, पर ऐसे ठगी करने वाले बैंकों को जो आम लोग ग्रामीण लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ठगी के शिकार होते हैं उन पर कार्रवाई कहाँ होती है। सुबह से वही महिलाओं का ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, लेकिन सब कोई आ रहा है और हाथ मसीस के जा रहा है। कारण ये भी है कि मात्र 1800 रुपये सभी से लिए हैं, लेकिन वही 1800 रुपया अगर आप 20 व्यक्तियों से 50 व्यक्तियों से 100 से गुना करिएगा तो एक मोटी रकम होती है। लोगों ने बताया कि थाने को भी सूचना दिए हैं लेकिन अभी तक थाना नहीं आया है, लेकिन यही हम चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि जो भी इसमें संलिप्त है बैंक कर्मी आवर गोल्डन फ्यूचर निधि लिमिटेड के उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो गरीबों का पैसा है जिन महिलाओं ने बकरी बेच के गाय बेच के भैंस बेच करके सब्जी बेच करके पैसा दिया है ताकि कुछ ज्यादा लोन मिले हम उनसे जीवन पालन पोषण कर सके उनको पैसा वापस किया जाए। एक बार फिर मैं कैमरा मैन को दिखाइए भीड़ को, ये भीड़ चिल्ला रही है रो रही है। बताया जाता है कि कल से ही इस बिल्डिंग में ताला बंद है, अभी बिल्डिंग में ताला बंद है और बिल्डिंग का नियम ये भी है कोई भी व्यक्ति अगर आप देते हैं किसी को किराया पर तो उसका डॉक्यूमेंट रखा जाता है। निवेदन है बिल्डिंग मालिक से कि अभी आपका भी दबी तो बनता है, आप ढूंढे उस व्यक्ति को और इनको लोगों को हवाले करें ताकि इनका पैसा मिले।